हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी में। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ, चिकनी गंजी खोपड़ी में भी बाल उगने की गारंटी देते हैं ये काले लाल बीज। आइए जानते हैं इसके बारे में। सरसों की एक प्रजाति है जिसका नाम है राई। राई एक महत्वपूर्ण मसाले के तौर पर हर एक भारतीय घरों में उपयोग में लाई जाती है। सारे भारतवर्ष में राई की खेती भी बड़े पैमाने पर की जाती है। राई का वानस्पतिक नाम ब्रासिका नाइब्रा है और इसे काली सरसों के नाम से भी जाना जाता है। आदिवासी अंचलों में इसे मसाले के तौर पर अपनाने के अलावा अनेक हर्बल नुस्खों में इसका उपयोग किया जाता है। राई शुक्र ग्रह का कारक होती है। राई की अगर एक पुड़िया भी अगर आप अपने पास रखते हैं तो भी उससे आपको फायदा होता है। तो आइए अब जानते हैं उन नुस्खों के बारे में जिसमें राई औषधि के रूप में उपचार की जाती है। पहला, हृदय की शिथिलता। अगर आपको घबराहट होती है, व्याकुल हृदय में कंपन अथवा वेदना की स्थिति होती है तो आप हाथ और पैरों में राई को मले। ऐसा करने से रक्त परिभ्रमण की गति तीव्र हो जाएगी, हृदय की गति में उत्तेजना आ जाएगी और मानसिक उत्साह भी बढ़ेगी। इसके लिए आपको करना है, राई को पीस लेना है। पीस कर राई को तलवों में लगाना है और इसे कुछ देर लगाकर छोड़ दें। ऐसा करने से भी आपको बहुत आराम मिलेगा। नंबर दो, हिचकी आना। 10 ग्राम राई पाव भर जल में उबाले, फिर उसे छान लें एवं उसे गुनगुना रहने पर जल को पिलाएं। आप देखेंगे कि आपको हिचकी आना बंद हो गया है। बवासीर या अर्श में भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर अर्श रोग में कफ प्रधान मस्से हो अर्थात खुजली चलती हो, देखने में मोटे हो और स्पर्श करने पर दुख न होकर अच्छा प्रतीत होता है तो ऐसे मस्सों पर राई का तेल लगाने से मस्से मुरझाने लगेंगे। नंबर चार, गंजापन के लिए। राई के हिम या फाट से सिर धोते रहने से सिर में फिर से बाल उगने आरंभ हो जाते हैं। अगर आप अपना बाल दोबारा उगाना चाहते हैं तो राई का फाट आप रोजाना यूज कर सकते हैं और फिर आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपके बाल उगने लगेंगे। नंबर पाँच, मासिक धर्म का विकार। मासिक श्राव कम होने की स्थिति में टब में भरे हुए गुनगुने गर्म जल में पीसी राई मिलाकर रोगिनी को एक घंटे कमर तक डुबोकर उस टब में बैठाकर हिप बात कराएं। ऐसा करने से आवश्यक परिमाण में श्राव बिना कष्ट के हो जाएगा। नंबर छह, अगर किसी को सफेद दाग या श्वेत कुष्ठ हो तो उसके लिए आपको करना है, पिसा हुआ राई लेना है और उस राई के 8 गुना ज्यादा पुराने गाय के घी में मिलाकर चकत्ते के ऊपर कुछ दिनों तक अगर आप लेप करेंगे तो उस स्थान पर रक्त तीव्रता से घूमने लगता है जिससे वे चकत्ते मिटने लगते हैं। इसी प्रकार दांत खाज खुजली आदि में भी इसका उपयोग करेंगे तो आपको लाभ मिलता है। अगर किसी को आफरा रहता है तो राई 2 या 3 ग्राम शक्कर के साथ मिलाकर ऊपर से चूना मिला पानी मिलाकर खिलाया जाए और साथ ही उदर पर राई का तेल लगा दिया जाए तो शीघ्र ही लाभ हो जाता है। नंबर 7, अगर किसी को गठिया हो तो राई को पानी में पीसकर गठिया की सूजन पर लगा देने से सूजन समाप्त हो जाती है और गठिया के दर्द में आराम मिलता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी परेशानी का हल ढूंढ रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपकी प्रॉब्लम हमारी सॉल्यूशन के साथ। मैं आऊंगी रोजाना नए नए घरेलू उपचारों के साथ जिससे आप अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तब तक के लिए फिट रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। थैंक यू।